लोकतंत्र में सत्ता तो वोटों के दम पर मिली, सीटों के आधार पर हासिल होती, लेकिन लोकतंत्र संविधान की मूल भावना के आधार पर चलता है। जनता की भावनाएं भड़काकर लोकतंत्र को चोटिल किया जाता है और डेमोक्रेसी के प्रति आम आदमी की भावना को कमजोर भी। लेकिन आज उन भावनाओं को समझना जरूरी है जो देश की संसद से आई। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। आज की दस्तक में आपका स्वागत है। भावनाओं की दस्तक से जुड़ी खबरों में सबसे पहले आज बात करेंगे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्यसभा से विदा लेते कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद की भावनाएं आंखों से बह निकली। इसके बाद दस्तक में बात होगी मुसलमानों को भारत में डरा हुआ बताने वालों को मुस्लिमों की असली भावना गुलाम नबी आजाद ने आज कैसे समझाई, और पूछेंगे कि जो भावना संसद में पक्ष विपक्ष की एक दूसरे के प्रति दिखती है वो चुनावी रैलियों के दौरान क्यों और कैसे गायब हो जाती है। तो शुरू करते हैं आज की दस्तक। लोकतंत्र को नापने का कोई पैमाना नहीं होता, फिर भी दुनिया की कई एजेंसियां लोकतंत्र को आंकती हैं, रेटिंग देती हैं। आज उन्हें भारतीय लोकतंत्र की कहानी देखनी चाहिए। हमारे देश में बहुत से लोगों का यह मत हो सकता है कि जो संसद में बैठे हैं, जो थोड़ा कठोर होते हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि नेता भावना विहीन होते हैं, लेकिन आज संसद में भावनाएं दिखी। प्रधानमंत्री भावुक हुए, विपक्ष के नेता इमोशनल हुए। ये भावनाएं अच्छी हैं, क्यों और कैसे आगे बताएंगे, लेकिन पहले देखिए संसद के भीतर लोकतांत्रिक मर्यादाओं की वो भावना जिसे संसद के अंदर से चारों तरफ फैलना जरूरी है। भावनाएं आंखों का किनारा तोड़ बह जाएं और आंसू प्रधानमंत्री को पोंछना पड़े। मेरे लिए बड़ा भावुक पल था। मन से मत मानो कि अब आप इस सदन में नहीं। कश्मीर के हालात, भावनाएं विपक्ष के नेता की भी पूरे सदन के सामने नयनों में रुक ना पाए। नहीं आएगी याद तो बरसों नहीं आएगी, मगर जब याद आओगे तो बहुत याद आओगे। भावनाओं का ज्वार ऐसा, प्रधानमंत्री विपक्ष के नेता को सैल्यूट करें। भावनाओं का सम्मान ऐसा कि हाथ प्रधानमंत्री के सामने धुर विरोधी विपक्ष के जुड़ जाएं। ये सब तब हुआ जब कांग्रेस सांसद गुलाम नबी आजाद का राज्यसभा में कार्यकाल पूरा हुआ। गुजरात के यात्री और टेररिस्टों पर हमला कर दिया और प्रधानमंत्री तब किस्सा सुनाने लगते हैं। 31 मई 2006 को डल झील के पास गुजरात के सैलानियों की बस पर आतंकवादी हमला हुआ था। जम्मू कश्मीर की कमान गुलाम नबी आजाद तब संभाल रहे थे, गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे। उस दिन को प्रधानमंत्री ने याद किया तो संसदीय लोकतंत्र में भावनाओं को समझना जरूरी हो गया। सबसे पहले गुलाम नबी जी का मुझे फोन आया। प्रधानमंत्री रुकते हैं अगले 7 सेकंड, फिर 3 शब्द बोलते हैं और वो फोन, बस ये बोलकर अगले 9 सेकंड फिर खामोशी, आवाज लरजने लगती है। सिर्फ सूचना देने का नहीं था। संसद खामोश, प्रधानमंत्री भावों को बांधने की कोशिश करते, फिर कोशिश की बोलने की, 22 सेकंड भावुकता के भीतर सिमट गए। उनके आंसू रुक नहीं रहे थे, फोन पे। उस समय प्रणब मुखर्जी साहब डिफेंस मिनिस्टर थे। मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा साहब अगर फोर्स का हवाई जहाज मिल जाए डेड बॉडी को लाने के लिए। रात देर हो गई थी, प्रणब मुखर्जी साहब ने कहा आप चिंता मत कीजिए, मैं करता हूँ व्यवस्था। लेकिन रात में फिर गुलाम नबी जी का फोन आया, वे एयरपोर्ट थे। दोबारा गुलाम नबी का जिक्र आते ही प्रधानमंत्री के खुले हाथ जुड़ जाते हैं, होंठ फिर लरजने लगते हैं, गला रूंधने लगता है, चेहरा ऊपर करते हैं, रूंधे हुए गले ने शब्दों को बाहर आने से रोका, भावनाएं समेटने के लिए कागज हटाते दिखे, हिम्मत करके बोले। एयरपोर्ट से उन्होंने मुझे फोन किया और जैसे अपने
परिवार के सदस्य की चिंता करें। वैसी चिंता सत्ता जीवन में आती रहती है, लेकिन उसे कैसे पचाना राज्यसभा में ऐसे पल देश दुनिया ने बहुत कम देखे, या कहें शायद कभी नहीं देखे। विपक्ष से मतभेद देखा, मनभेद कभी न होने की गवाही भी राज्यसभा ने देखी, लेकिन एक प्रधानमंत्री का विपक्ष के नेता के लिए ऐसी भावुकता शायद पहली बार। मेरे लिए बड़ा भावुक पल था। इतना बोलकर पीएम को सामने मेज का सहारा लेना पड़ता है, आंसू पोंछते हैं और बोलते हैं। दूसरे दिन सुबह फोन आया कि मोदी जी सब लोग पहुंच गए, इसलिए एक मित्र के रूप में गुलाम नबी जी को घटना और अनुभव के आधार पर मैं आदर करता हूं। भावुक होते, आंसू पोंछते, सैल्यूट करते, रूंधे गले के साथ प्रधानमंत्री ने विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद को याद किया। जख्मी भाई तो संसद में भावुकता के आधार बनी 2006 की घटना को मुख्यमंत्री रहने के दौरान क्या देखा था गुलाम नबी आजाद ने भी याद करके ही बताया। वो रोते रोते मेरे टांगों से जब लिपट गए तो मैं जोर से मेरी आवाजें निकल गई, ए खुदा ये क्या तुमने किया, मैं कैसे जवाब दूं इन बच्चों को, मैं कैसे जवाब दूं उन बहनों को जो यहां तफरी के लिए आए थे, सैर के लिए आए थे, और आज मैं लाशें लेकर इनके हवाले कर रहा हूं उनके माता पिता की। तो ये भावुक होने की जरूरी बात। तो क्या सिर्फ अंत भला तो सब भला का सिर्फ एक हिस्सा इसे मान लें, या फिर ये कहेंगे कि विदाई में तो सब अच्छा ही बोलते हैं, या फिर माने की जरूरत है संसदीय लोकतंत्र में एक दूसरे के प्रति मर्यादाओं का सम्मान बढ़े, आह्वान बढ़े। व्यक्तिगत रूप से भी मेरा उनसे आग्रह रहेगा कि मन से मत मानो कि अब आप इस सदन में नहीं हो। देश में सब बहुत जरूरी होता है, यह अनुभव बहुत काम आता है, मुझे मिलता रहेगा, ये अपेक्षा मैं रखता ही रहूंगा, आपको मैं निवृत्त होने नहीं दूंगा। नहीं आएगी याद तो बरसों नहीं आएगी, मगर जब याद आओगे तो बहुत याद आओगे। संसद में विदाई तो गुलाम नबी आजाद की हो रही थी, लेकिन क्या ये लोकतंत्र में भावनाओं के सम्मान के पूर्ण आगमन का दिन नहीं बन सकता, यही सवाल है आज की दस्तक का। दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री मोदी की भावुकता में लोकतंत्र की ताकत को समझना है तो जान लीजिए जिस घटना को लेकर पीएम भावुक हुए, तब केंद्र में कांग्रेस की सरकार, गुजरात में बीजेपी की सरकार और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की सरकार थी। केंद्र और राज्यों के समन्वय का किस्सा सुनाते हुए प्रधानमंत्री भावुक हो गए, और तब यह कहना पड़ता है कि इन भावनाओं को समझने की जरूरत है, क्योंकि संसद में जो भावनाएं पक्ष और विपक्ष की दिखती हैं, केंद्र और राज्य की सरकारों के बीच क्यों नहीं है? क्यों केंद्र की जनहित की योजनाओं पर विपक्षी दलों की राज्य सरकारें राजनीति का मौका नहीं चूकती? क्यों केंद्र की आयुष्मान योजना दिल्ली, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, उड़ीसा में जनता तक नहीं पहुंच पाती है? क्या पीएम किसान सम्मान निधि पश्चिम बंगाल के किसान इसलिए नहीं पा सकते क्योंकि पश्चिम बंगाल सरकार का केंद्र सरकार से कोई नीतिगत या वैचारिक विरोध है? राज्यपाल की नियुक्ति से लेकर किसी मामले की सीबीआई जांच तक में केंद्र और राज्यों के बीच लोकतंत्र की भावनाओं पर राजनीति भारी पड़ जाती है। इसीलिए आज आपको दस्तक देकर कहना है कि भावनाएं संसद के बाहर भी पक्ष और विपक्ष मिलकर दिखा।
और अब आगे दस्तक मुस्लिमों की आजाद भावनाओं को समझाने वाली। पिछले हफ्ते ब्रिटिश पत्रिका द इकोनॉमिस्ट की तरफ से जारी डेमोक्रेसी इंडेक्स में लोकतंत्र के पैमाने पर भारत 2 पायदान नीचे खिसका बताया गया। इसकी एक वजह देश के ही मुस्लिम नागरिकों में भय की बात करने वाली राजनीतिक रूप से प्रदूषित विचारधारा भी हो सकती है। ऐसी सोच वालों को मुल्क में मुस्लिमों के हर नागरिक की तरह आजाद होने की आजाद भावना भी समझनी होगी, जो आज संसद से ही सामने आई। शपथ लेता हूं कि मैं कांग्रेस पार्टी की नीति नीति में विश्वास करता हूं जब मध्य प्रदेश के इंदौर में दावा हुआ कि कांग्रेस के नेताओं ने कुरान की कसम दिलाकर मुस्लिमों को नगर निगम के चुनाव में कांग्रेस को ही वोट देने को कहा, तब राज्यसभा में जम्मू कश्मीर से आने वाले कांग्रेस के ही मुस्लिम सांसद गुलाम नबी आजाद को सुनना जरूरी हो जाता है। मैं कभी इधर से निकला इधर डूबा उधर निकला उधर डूबा इधर निकला, ये मेरा जीवन ऐसे ही रहा। आजाद को सुनना जरूरी क्यों, इसके कुछ उदाहरण पहले जान लीजिए। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के विचार कुछ दिनों पहले यूं सामने आए, जब हामिद अंसारी कहते हैं कि देश के मुस्लिमों में बेचैनी का एहसास और असुरक्षा की भावना है, सेक्युलरिज्म अब सरकार के शब्दकोश में नहीं है, तो पिछले साल 101 पूर्व नौकरशाहों ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखकर गुस्सा जताते हुए कहा था कि देश के कुछ हिस्सों में मुसलमानों का उत्पीड़न हो रहा है। ऐसी सोच पर एक दस्तक राज्यसभा में कांग्रेस के सांसद गुलाम नबी आजाद देते हैं। खुशकिस्मत है, जन्नत हिंदुस्तान ही। मैं तो आजादी के बाद पैदा हुआ, लेकिन आज गूगल के जरिए मैं पढ़ता हूं, देखता हूं, सुनता हूं, यूट्यूब के जरिए पढ़ता हूं। मैं उन खुशकिस्मत लोगों में हूं जो पाकिस्तान कभी नहीं गया, लेकिन जब मैं पढ़ता हूं कि वहां किस तरह के हालात हैं पाकिस्तान के अंदर, तो मुझे गौरव महसूस होता है, मुझे फख्र महसूस होता है कि हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं। और बल्कि अगर मैं आज कहूंगा विश्व में किसी मुसलमान को अगर गौरव होना चाहिए, वो हिंदुस्तान के मुसलमान को गौरव होना चाहिए। 17 करोड़ और 20 लाख मुस्लिम नागरिक भारत में हैं। भारत में इतने मुस्लिम नागरिक हैं जितनी ब्रिटेन, स्पेन और इटली की कुल जमा आबादी है। दुनिया के किसी भी देश में मुसलमानों की तीसरी सबसे ज्यादा बड़ी आबादी भारत में रहती है। उन्हीं भारतीय मुस्लिमों को लेकर पिछले साल अंतर्राष्ट्रीय संस्था यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने नागरिकता के कानून को भारत के मुस्लिम समुदाय को लेकर पक्षपाती तक बता दिया था, जिसके सहारे देश में कई लोगों ने हिंदुत्व का हवा खड़ा कर तुष्टिकरण की राजनीति को धार दी। लेकिन उन्हें जवाब संसद से गुलाम नबी आजाद देते हैं। अफगानिस्तान से लेकर ईरान, इराक से लेकर और कुछ सालों पहले से देखे कि किस तरह से मुस्लिम देश खत्म हो जा रहे हैं एक दूसरे के अंदर और एक दूसरे से लड़ाई करते हुए। वहां हिंदू तो नहीं है, वहां कोई क्रिश्चियन तो नहीं है, वहां दूसरा तो नहीं है जो लड़ाई कर रहा, आपस में लड़ाई कर रहे हैं। और जो कल्चर है, हमदर्द तो लोग पाकिस्तान के बहुत है, सुनने में आया है, मैं कभी गया नहीं, लेकिन जो समाज में बुराइयां हैं दूसरे मुल्क के बारे में नहीं कहना चाहिए, लेकिन हम गौरव से ये कह सकते हैं कि हमारे मुसलमानों में वो बुराइयां खुदा न करे कि कभी भी लाए, तो आज हम गौरव से ये कह सकते हैं। देश के मुस्लिम नागरिकों को भ्रम के माहौल से निकालने वाली ये आजाद भावना क्या सभी राजनेता समझेंगे? और मुस्लिम नेता ही नहीं बल्कि हर बात पर पाकिस्तान चले जाओ की बात कहने वाले नेता भी क्या आजाद भावनाओं का ख्याल रखेंगे? मैं उन खुशकिस्मत लोगों में हूं जो पाकिस्तान कभी नहीं गया। मेजॉरिटी कम्युनिटी को भी 2 कदम आगे बढ़ने की जरूरत है।
अब अगर मुस्लिम नागरिकों को लेकर आजाद की पूरी भावनाओं का संसद से लेकर हर चुनाव तक पूरा सम्मान किया जाए तो दुनिया में लोकतंत्र की जननी कहा जाने वाला देश किसी डेमोक्रेसी इंडेक्स में कमियों वाले लोकतंत्र के नाम पर तो नहीं गिना जाएगा। मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। और राज्यसभा के बाद अब आपको जरा लोकसभा ले चलते हैं। राज्यसभा में 3 दिन लगातार राष्ट्रपति के अभिभाषण पर 25 दलों के 50 नेताओं के बोलने के बाद कल प्रधानमंत्री ने 75 मिनट अपनी बात रखी थी, लेकिन लोकसभा कल दोपहर तक हंगामे के कारण चलना मुश्किल हो रही थी। कल यानी सोमवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में हाथ जोड़कर विपक्षी दलों के सांसदों से कहा कि लोकतंत्र की परंपराओं को कायम रखना सबकी जिम्मेदारी है, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए चर्चा की परंपरा को मत तोड़िए। तब जाकर सोमवार को आधी रात तक सदन चला। इस बात को आपको बताने के पीछे मकसद यह है कि संसदीय लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष एक दूसरे की भावनाओं को समझें, तभी सदन चलेगा, तभी देश स्वस्थ मन से चलेगा। ये दो तस्वीरें इसकी गवाही देती हैं। राज्यसभा में भावनाओं का लोकतंत्र और लोकसभा में सदन के लिए लोकतंत्र की दुहाई देकर हाथ जोड़ने वाली भावना। लेकिन सवाल यह है कि जो एक दूसरे को सम्मान देने की भावनाएं आज संसद के भीतर दिखी, वही संवेदनाएं चुनाव आने पर राजनीतिक दलों के बीच खत्म क्यों हो जाती है? नड्डा जी তিনি কয়েকদিন আগে গাড্ডাতে পড়েছিলেন। तो जो भावनाएं संसद में दिखती हैं, वही भावनाएं पक्ष और विपक्ष की चुनाव में आकर बदल क्यों जाती हैं? पश्चिम बंगाल की चुनावी रण की ये कहानी दिखाएं, उससे पहले वापस लोकसभा चलते हैं, जहां पश्चिम बंगाल की एक दूसरी कुर्सी वाली झूठ सच की लड़ाई हुई। हुआ यूं कि अधीर रंजन चौधरी ने आरोप लगाया कि अमित शाह शांति निकेतन के दौरे पर गुरु टैगोर की कुर्सी पर बैठे थे। अमित शाह ने लोकसभा में अधीर रंजन के दावे को झूठा बताया। मेरे पास विश्व भारती के उपकुलपति का पत्र है, जिसमें मैंने उनसे स्पष्टता मांगी है कि सारे फोटो का वीडियोग्राफी का एनालिसिस कर बताया जाए कि कहीं मैं बैठा हूं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई। जहां पर मेरे बैठने का जिक्र किया है वो एक खिड़की है और खिड़की पर सभी को बैठने की व्यवस्था। गृह मंत्री अमित शाह ने तस्वीरें सदन में दिखाई कि जिस कुर्सी पर वो बैठे उसी पर पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल और प्रणब मुखर्जी भी बैठे थे, लेकिन इसके बाद एक नया आरोप कांग्रेस पर लगाया। मैं तो नहीं बैठा वो कुर्सी में, मगर मेरे पास दो फोटोग्राफ निकले हैं। श्री जवाहरलाल नेहरू जी उस कुर्सी में बैठे हैं जहां पर टैगोर बैठा था, ये रिकॉर्ड पर है फोटोग्राफ। और दूसरा फोटो है श्री राजीव गांधी का, वो टैगोर साहब के सोफे में बैठकर आराम से चाय पी रहे हैं। इसके कारण उनके मन में गलतफहमी हो सकती है। यही राजनीति जब पश्चिम बंगाल पहुंचती है तो चुनावी रैलियों में भाषा और आरोपों की मर्यादा कुर्सी पाने के लिए ही कमजोर होती जा रही है। গেরুয়া বেশ পরে এসেছিল সাধু রূপে, ভিক্ষান্তেহী ভিক্ষে দিতে এসে তাকে হরণ করে নিয়ে গেল। সুতরাং সব গেরুয়া পরে থাকলেই সে রাম হতে পারে না, রাম আর তারা রামকে সে ধরে করে দাঙ্গা করে, তারা কোনো রাম হতে পারে না, তারা তো রাবণই। নাড্ডাজি তিনি কয়েকদিন আগে গাড্ডাতে পড়েছিলেন, জানেন তো बंगाल की राजनीति में छोटे नेता अगर दोनों दलों की तरफ से छिछले बयान बोलकर वोट बटोरना चाहते हैं तो बड़े नेता इन्हें रोकते भी नहीं हैं। ममता जी बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो गई है और उनकी उनके पांव के नीचे से धरती खिसक चुकी है, इसलिए वो क्या आरोप लगा रही हैं, क्या बोल रही हैं, वो कहीं ना कहीं उनके फ्रस्ट्रेशन को बताता है। रिसर्च बताती है कि भड़काने वाले बयानों से जीतने की गारंटी 3 गुना बढ़ जाती है, क्योंकि तब मुद्दे नहीं भावनाओं के आधार पर वोटिंग होती है, लेकिन नुकसान आम जनता उठाती है। पोलोमी साहा के साथ इंद्रजीत कुंडू, वर्धमान आज तक। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, और बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के कासगंज से, जहां शराब माफिया ने पुलिस टीम पर ही हमला कर दिया है। आपको बता दें कि इस हमले में एक दारोगा बुरी तरह से जख्मी हुए हैं और
एक सिपाही की शराब माफिया ने हत्या कर दी है। उत्तर प्रदेश के कासगंज की यह वारदात। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उसी हमले के बाद की। घायल पुलिसकर्मियों को आप देख सकते हैं और अंदाजा लगा सकते हैं कि यह वारदात कितनी जघन्य रही है। उत्तराखंड में तकरीबन 60 घंटे पहले ग्लेशियर फटने से ऋषि गंगा नदी में सैलाब आया, जिसकी चपेट में पार प्रोजेक्ट में काम करने वाले मजदूर आ गए। रविवार से मंगलवार हो चुका है, 35 मजदूर अब भी टनल में फंसे हुए। रविवार को तबाही कितनी भयानक थी इसका अंदाजा देने वाली ताजा सैटेलाइट तस्वीरें अभी हमें मिली जो एनटीपीसी के उसी पार प्रोजेक्ट की है जिसमें मजदूर अब भी टनल के अंदर फंसे। एक तस्वीर साल 2018 की है और दूसरी आज की। मैक्सर टेक्नोलॉजीज ने इन सैटेलाइट तस्वीरों को जारी किया है। तस्वीरों की तुलना करके यह आसानी से समझा जा सकता है कि उत्तराखंड ने क्या कुछ झेला है। लेकिन आपदा के 60 घंटे के बाद अब देश जानना चाहता है कि राहत और बचाव का अभियान कहां तक पहुंचा, कितने वक्त में बाकी 35 मजदूरों को निकाला जा सकेगा। समुद्र तल से 5,600 मीटर से आई तबाही के लिए सेना के हेलीकॉप्टर मैदान में। लेकिन इस टनल में फंसे मजदूरों का क्या हाल है जो अंधेरी सुरंग मौत से दो दो हाथ कर रहे हैं। जैसे पानी का लेवल बढ़ता रहा, सब लड़कों ने सरिया पकड़ी और हल्का 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 सरिया से ऊपर चढ़ते रहे। रविवार को ग्लेशियर टूटने से जहां सबसे ज्यादा तबाही मची, उसके ठीक ऊपर ये कौन सा रडार घुमाया जा रहा है। ऋषि गंगा नदी के ऊपर घूमते इस खास रडार से कैसे टनल में फंसे मजदूरों की मदद की जा सकेगी। हेलीकॉप्टर और रडार की तरह जिस पहाड़ में टनल है, उसकी दूसरी तरफ सेना के ये जवान क्या कर रहे हैं। क्या यहाँ से टनल में घुसने की तैयारी हो रही है, क्योंकि देश की नजरें टनल में फंसे मजदूरों पर लगी है जो पिछले 3 दिनों से अंदर है। टनल के अंदर कैसे हालात हो सकते हैं ये समझने के लिए रविवार को बचाए गए मजदूरों का वीडियो देखिए, जिसे आईटीबीपी ने शेयर किया है। चलिए शाबाश, बारी बारी निकलिए, आ जाइए, आप भी आ जाइए, बारी बारी आगे आते रहिए, एक एक करके आइए शाबाश। आप देख सकते हैं कि सुरंग में बिल्कुल अंधेरा और मजदूर किसी तरह बाहर आ रहे हैं। शाबाश शाबाश, नहीं नहीं पकड़ के रखना, गिरना नहीं है, शाबाश, आते रहिए। शाबाश शाबाश, आ जाइए आ जाइए, हाँ आ रहे आ रहे आ रहे आ रहे, आराम से खींचो खींचो ऊपर खींचो। इन सभी मजदूरों को वीरेंद्र कुमार लीड कर रहे थे, जिनके बाहर निकल और जयकारा लगाते हुए। जब पहली बार देश ने वीरेंद्र कुमार को बाहर निकलते और जयकारा लगाते हुए देखा तो राहत की सांस ली। जब लास्ट पोजीशन हो गई ना, हम लोगों की लास्ट में मरने की समय आ गई, तो मैंने एक दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली बद्री विशाल जी से कि हमारी जो टीम है हम सबसे पहले अपनी टीम को निकालेंगे, लास्ट में मैं निकलूंगा, और निकलने के बाद मैंने जयकारा लगाया। लेकिन उत्तराखंड की आपदा के बाद सवाल यह है कि टनल में कितना मलबा हटाया जा चुका है, टनल में कितना काम बाकी है, टनल के किस हिस्से में वो 35 मजदूर फंसे हैं, और आखिर उनके सही सलामत होने की कितनी संभावना है। ठंडी बढ़ रहा है, सभी की शिवरिंग हो रहा है, वही टाइम में हम लोग गढ़वाली गाना गाया, कई हमारा साथी नेपाली गाना गाया, थोड़ा एक्सरसाइज किया, इधर उधर 10 मीटर में इधर उधर बार बार उधर उधर घूमते घूमते ही हमारा बॉडी में गर्म ठंडा बचाने के लिए बॉडी गर्म करते करते ही हमारा ऐसा 3-4 घंटा ऐसा करते करते ही। तो क्या पिछले 3 दिनों से टनल में फंसे बाकी लोग अंदर ऐसा ही कर रहे होंगे,
जिन्हें बचाने के लिए टनल से मलबा निकाला जा रहा है। ये फ्रंट गेट आप देख रहे हैं, यहाँ अंदर जो वर्कर्स हैं वो फंसे हुए हैं, करीब 35 लोग जो लगातार बताए जा रहे हैं। अब यहाँ पर चुनौती क्या है इसको समझने की कोशिश करिए। दरअसल फोर्सेस जो है वो 100 से करीब 120 मीटर तक के एरिया तक तो पहुंच चुकी हैं, लेकिन परेशानी ये होती है कि वहां पहुंचने के बाद भी जो दूसरा हिस्सा है सुरंग का, वहां से मलबा आगे आ जाता है और ऐसे में फिर उस मलबे को हटाना चुनौती हो जाती है। यहाँ पर दरअसल बड़ा मुश्किल है ये पूरा ऑपरेशन यहाँ पर चलाना, लेकिन ये देखिए, ये आपने देखा इसी तरह से लगातार ये मलबा उठाया जा रहा है वहां से और उसको बाहर एक जगह पर सेग्रीगेट किया जा रहा है। लेकिन दो ऐसी जगह हैं जहां से ये मलबा फीड हो रहा है अंदर, यानी टनल के भीतर दो ऐसे पॉइंट्स हैं जहां से नदी का दूसरा हिस्सा जो है ये गाद वहां से आ रही है लगातार अंदर। अब परेशानी ये है कि जब तक ये कम्प्लीटली नहीं हट जाती जब तक ये हट नहीं जाता कम्प्लीटली, वहां पर जाना मुश्किल है, यही सबसे बड़ी चुनौती है। लेकिन सवाल यह है कि इस इलाके में आसमान में घूमता यह हेलीकॉप्टर किस खास रडार को लेकर घूम रहा है और इससे क्या होगा, ये आप जाने उससे पहले हम आपको उस टनल के अंदर की हकीकत बताते हैं जिसमें 35 लोग मौत से लड़ रहे हैं। 240 मीटर लंबी इस टनल में 120 मीटर तक मलबा साफ किया जा चुका है। सारी कोशिश 60 मीटर बाद उस मोड़ तक पहुँचने की है जिसके पास 35 लोगों के फंसे होने की उम्मीद है। एक और एनिमेशन से समझिए कि मजदूर आखिरकार टनल में कहां फंसे हुए हैं। इसको एस्केप टनल भी कह सकते हैं। तो ये लगभग जो एस्केप टनल है और जो ये एस्केप ये एसएफटी में मिल रहा है, ये लगभग 90 मीटर का यहां से यहां जुड़ता है और उससे पहले ये एस्केप टनल माउथ ऑफ द टनल टिल माउथ ऑफ दिस एसएफटी ये 180 मीटर। तो हमारी कोशिश है कि हम यहां तक जल्दी से जल्दी पहुंचे। और स्लश की जाने की दिशा सिर्फ एक साइड की थी तो उम्मीद से कह सकते हैं कि इस टनल में शायद स्लश ना हो, क्योंकि ये टनल तकरीबन 180 मीटर लंबा है, ऑक्सीजन यहाँ पे पाई जा सकती है। तो जो अंदर हमारे लोग इस समय ट्रैप्ड हैं उनका ठीक होना इस समय हम काफी हद तक सही मान सकते हैं। तपोवन में रविवार शाम से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, दूसरे शब्दों में कहें तो समय के साथ रेस हो रही है। इसीलिए मजदूरों को बचाने के लिए सेना इस प्रोजेक्ट की एक और टनल के मुंह को खोलने की कोशिश में जुटी है। सेना के जवानों ने आज यही कोशिश की। Where we are trying to drill a hole from top of the tunnel and try to get inside from top so as to rescue the people who are trapped inside. टनल में घुसने का ये दूसरा रास्ता कहाँ है, अब उसे इस एनिमेशन से समझते हैं। ये देखिए पहाड़ी के दूसरी तरफ प्रोजेक्ट की ये टनल है जिसके मुंह को खोलने की जद्दोजहद हो रही है, हालांकि अफसोस आज ये कोशिश नाकाम रही। कोशिश की आज सुबह, लेकिन ये कोशिश भी असफल हुई क्योंकि यहाँ लगभग 50 से 100 मीटर स्लश है और नीचे उसके बोल्डर और आयरन पिलर्स हैं जिसमें कि रेस्क्यूअर को मुश्किल हो रहा है वहां से भी। तो कोशिश दो जगह से थी। आज सुबह लगभग 12 बजे सुबह 9 बजे लॉन्च कर दिया था हमने ऑपरेशन, लेकिन 12 बजे मुझे हमने ऑपरेशन को वो करना पड़ा। शाम को या कल सुबह और इक्विपमेंट ला के हम दोबारा कोशिश, लेकिन एज ऑफ नाउ मेन एफर्ट हमारा ये है। रविवार को आपदा का असर काफी बड़े क्षेत्र पर हुआ है। पावर प्रोजेक्ट और उसके कर्मचारियों की तरह आसपास के कई लोग इसकी चपेट में आए जिन्हें ढूंढने की कोशिश की जा रही है। इसी कोशिश के तहत हेलीकॉप्टर के नीचे ये खास तरह का इलेक्ट्रो रडार बांध कर घुमाया गया। ये सेंसर इस पूरे क्षेत्र में ये देखेंगे कि जो ये मलबा आके गिरा है ये कितनी दूर तक मलबा है, कितना नुकसान हुआ है। तरंगों के जरिए, लेजर तरंगों के जरिए जिस तरह से देखा जाता है कि जैसे अगर आप यहाँ बिल्कुल नीचे देखें तो अनुमान ये लगाया जा रहा है कि 50 से 80 मीटर तक यहाँ पर मलबा, मिट्टी, रेत सब आकर पड़ गई है। लेकिन बीच में क्या कहीं एयर पॉकेट्स भी हैं, कहीं लोग दबे भी हो सकते हैं। कितना नुकसान कहाँ हुआ है, कितनी क्षति हुई है उसका आकलन इस पूरे क्षेत्र में, जहाँ से जो ग्लेशियर है वो टूटा, जहां से हिमस्खलन शुरू हुआ और उस पूरे इलाके जहां तक नुकसान हुआ उस पूरे इलाके का इस समय मैपिंग की जा रही है। लोगों को ढूंढने की ऐसी कोशिश ऋषि गंगा नदी में भी की जा रही है जहां सैलाब आया था और जो जगह अब दलदल में बदल गई है वहां पर एसडीआरएफ के जवान सर्च कर रहे हैं। जान जोखिम में डाल के आप वहां जो तस्वीरें देख पा रहे हैं वो एसडीआरएफ के जवान हैं, मलबे में चल रहे हैं, खोज रहे हैं, संभावनाएं तलाश रहे हैं कि क्या कहीं कोई जीवित मिल सकता है। हालांकि ये संभावनाएं ये तस्वीरें देख के भयावह कितना है उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये नामुमकिन है, लेकिन एसडीआरएफ के जवान
उस दलदल में जो कि ये पूरा सैलाब के साथ आया, वहां पर सर चला रहे। उत्तराखंड को लेकर सारा देश फिक्रमंद है। केंद्र सरकार भी हर संभव मदद की बात कर रही है। ये वादा गृहमंत्री ने संसद में आज एक बार फिर दोहराया। मैं सदन को केंद्र सरकार की ओर से यह आश्वस्त करना चाहता हूँ कि राहत और बचाव कार्य के लिए सभी संभव उपाय राज्य सरकार के साथ समन्वय के साथ किए जा रहे हैं और जो भी आवश्यक कदम उठाना जरूरी है वो उठाए जा रहे हैं। उत्तराखंड के तपोवन में रेस्क्यू ऑपरेशन में जवानों से लेकर नेवी के मरीन कमांडो भी शामिल हो चुके हैं। उन आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है जिसे आज से पहले देश कभी नहीं देखा। मीनाक्षी कंडवाल, आशुतोष मिश्रा और गौरव सावंत के साथ मंजीत नेगी, तपोवन आज तक। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है देश भर के सैकड़ों परिवारों के दिलो दिमाग पर अनहोनी की दस्तक तेज हो रही है। ये वो परिवार हैं जिनके अपने उत्तराखंड में काम की तलाश में गए थे और इस प्राकृतिक आपदा की चपेट में आ गए। उत्तराखंड के चमोली में इस ड्रोन से मोबाइल नेटवर्क के तार को जोड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उत्तराखंड की आपदा से देश भर के अलग अलग परिवारों ने अपनी खुशियों के नेटवर्क को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। फोन लग रहा है, यहाँ बह रहा है, दादा कोई बात ना चल रही है, बस कोई बात ना है। इनमें से कुछ लोग अनहोनी की आशंका से भयभीत हैं, तो बाकी अपनों को खोने से बेहाल। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के कई परिवारों पर एक साथ कुदरत का कहर टूटा है। इस जिले के 34 लोग रविवार को ग्लेशियर टूटने के बाद की तबाही के बाद से लापता है। ये ऐसा ही परिवार जिसके 6 सदस्यों की कोई खोज खबर नहीं है। लोग थे सब हमारे परिवार से, दो बड़े भैया थे और 4 भतीजे थे। तो ये लोग 1.5 महीना पहले गए थे यहाँ से काम करने के लिए। 9 बजे बात हुई, लाइव के बाद में कोई बात नहीं, फोन लगाए तो साहब बताओ। लखीमपुर खीरी के रहने वाले 34 में से 4 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, लेकिन अभी तक उनका शव नहीं मिल सका है। लखीमपुर खीरी की तरह यूपी के श्रावस्ती जिले में रविवार की बात से मातम। इस जिले के 8 लोग उत्तराखंड की आपदा की चपेट में आ गए थे। 3 बज गए और 5 मजदूर लापता है। उत्तर प्रदेश की तरह बिहार, पंजाब के भी मजदूर इस तबाही के बाद गायब। पंजाब के खंडा के 4 नौजवान लापता है, तो बिहार के छपरा के मुन्ना सिंह गायब है, जिनकी पत्नी, 3 बेटियां और बेटा उनके लिए परेशान हो रहा है। 7 फरवरी को तबाही के पंजों से कश्मीर के इस नौजवान का परिवार भी जख्मी हुआ है। सालिक के पिता बशारत जरगर चमोली के पावर प्रोजेक्ट से बतौर जनरल मैनेजर पिछले हफ्ते ही जुड़े थे, लेकिन रविवार के बाद से वो लापता है। फादर लास्ट वीक आए थे, ही वाज जनरल मैनेजर ऑफ दिस प्रोजेक्ट, ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट, और पिछले 2 दिनों से कोई बात नहीं हुई मेरी उनसे। आई होप सब सही हो जाए, सब ठीक से हो जाए और वो जल्द से जल्द मुझे मिल जाए। प्रार्थनाएं आपके साथ हैं कि वो ठीक हों। आपकी बात परसों हुई थी उनसे, लगभग क्या समय? मेरी बात हुई थी परसों, हुई थी अराउंड 10:15 के करीब इन द मॉर्निंग। उसके बाद 10:30 बजे, जैसे कि ये लोग कह रहे कि फ्लड एंड ऑल दैट स्टफ केम, तो उसके बाद मेरी बात नहीं हुई उनसे। तबाही को जिसने भी देखा वो नाउमीदी से घिरा हुआ है। रविवार को यहाँ बहकर आया सैलाब अपने साथ सब कुछ बहा ले गया और अपने पीछे सैकड़ों परिवारों अंधेरा कर गया। आज तक ब्यूरो कंपनी की तरफ जा रहा है ये। तो दस्तक में आज के लिए इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई दस्तक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।